केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने रूस के उलान-उडे में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए भारतीय महिला मुक्केबाजी टीम को सम्मानित किया। टूर्नामेंट में भारत ने 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते, जो देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। रिजिजू ने रजत पदक विजेता मंजू रानी को 14 लाख के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया, वहीं 3 कांस्य पदक विजेता एमसी मैरीकॉम, लवलीना बोरगोहेन और जमुना बोरो को 8 लाख रुपए दिए गए। एमसी मैरीकॉम, जिन्होंने 2001 में अपनी शुरुआत के बाद से विश्व चैंपियनशिप में भाग लिया है, उन्होंने चैंपियनशिप में अपना 8वां पदक जीता, जिसके साथ ही उन्होंने 51 किलोग्राम की स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। 6 बार की चैंपियन मैरीकॉम 9 मैचों में 8वां पदक जीतकर विश्व चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे सफल मुक्केबाज बन गई हैं। यह उनका पहला कांस्य भी है। ओलंपिक स्पर्धा में 51 किलोग्राम वर्ग शामिल होने के साथ इस भार वर्ग में मैरीकॉम का यह पहला विश्व चैंपियनशिप पदक भी था। मंजू रानी ने चैंपियनशिप में पदार्पण करते हुए महिलाओं की 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान उत्तर कोरिया के शीर्ष वरीय किम ह्यांगमी को हराया था। लवलीना बोरगोहेन ने विश्व चैंपियनशिप में लगातार दूसरा पदक जीता, क्योंकि उन्होंने 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता, जिसका आयोजन ओलंपिक में भी है। वहीं जमुना बोरो ने भी 54 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला मुक्केबाजों के पास 14 फरवरी तक वुहान में एशिया और ओशिनिया क्वालिफायर के माध्यम से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के 2 मौके हैं, और जिसके बाद 13-24 मई से पेरिस में विश्व ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट होगा। टीम के सफल आउटिंग के बारे में बात करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा, "We are very proud that our Indian boxers have got 4 medals for India. It's a record. It's a best ever performance. Maricom, Lavlina, Manju and Jamuna, both men also last time got 2 medals. That is also best ever. Now women got 4 medals, a record. So we are very excited. Good in run up to the Olympics."